नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज मिसिस प्रेशा कारिया, योर EVS टीचर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। वेलकम टू नियर पब्लिक स्कूल, वेलकम टू अवर सब्जेक्ट EVS। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ प्रेयर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडी। ओपन योर EVS टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 22। ओके बेटा, सो वी आर डूइंग रिविज़न, है ना? हम रिविज़न कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव डन अवर एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2। ओके, सो नाउ एंड वी हैव डन अवर क्वेश्चन 1A, B, C एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक्सरसाइज में हमने कहाँ तक किया? पेज नंबर 21 एंड पेज नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 2 तक। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो ओपन पेज नंबर 22। सॉरी, ओपन पेज नंबर 22। ओके, सो अप टू हियर वी हैव डन इन अवर लास्ट वीडियो लेक्चर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ANSWER, आंसर द THE, द फॉलोइंग। FOLLOING, फॉलोइंग क्वेश्चंस, QUESTIONS, क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन 1, वॉट आर नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? सो थिंग्स दैट कैन नॉट बी कैन नॉट ब्रीथ, ग्रो और रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर्स लिखने हैं, ठीक है? सो कैन नॉट ब्रीथ, ग्रो और रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ वॉट आर नेचुरल थिंग्स? थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय मैन। देखो, जो नेचुरल थिंग्स क्या होती है? जो मैन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सो थिंग्स THINGS, थिंग्स दैट आर मेड MADE, मेड by men are called, sorry, things that are not made by men are called natural things. Okay, now question number 3, what are man-made things? Man-made things है बोला है तो man जिसे produce कर सकता है, है ना? Things that are made by men are called man-made things. Question number 4, नेम एनी 5 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें लिविंग थिंग्स के कोई भी 5 फीचर्स यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। तो फर्स्ट इज ब्रीथ, सेकेंड इज मूव, थर्ड इज फील, फोर्थ इज ग्रो एंड फिफ्थ वन इज रिप्रोड्यूस। ओके, नाउ फिफ्थ वन, नेम सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू लिव। लिविंग थिंग्स को
जीना जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, जीने के लिए क्या चाहिए? एयर, एयर किसके लिए चाहिए? ब्रीदिंग के लिए चाहिए, है ना। वाटर, वाटर तो हमें बहुत तरीके से हेल्पफुल है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ वाटर इज़ ड्रिंकिंग, है ना, हमें पानी तो पीना ही है। एंड सॉइल, सॉइल किसके लिए चाहिए? हमने हमारे चैप्टर नंबर 3 में लर्न किया ना, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स में, कि हमें सॉइल प्लांट्स ग्रो करने के लिए चाहिए, है ना। प्लांट्स हमें किस में ग्रो करने होते हैं? सॉइल में। सो एयर, वाटर एंड सॉइल आर नीडेड बाई लिविंग थिंग्स टू लिव। ओके, सो दीज आर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, बट स्टूडेंट्स यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज योर एग्जाम इज बेस्ड ऑन MCQ, बट दीज आर फॉर योर क्लियरिंग कंसेप्ट्स, ओके। आपके कंसेप्ट क्लियर हो इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमने आपको लर्न करवाए हैं, ठीक है बेटा। नाउ देखो, वो आपके अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगे तो आपको MCQ भी में भी आंसर आपको जल्दी से नहीं आएगा, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो वी हैव डन दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ओके बेटा। नाउ लेट्स मूव दिस मैप, ओके। ये मैप किस लिए होता है पता है? ये हमारा जो चैप्टर होता है ना, उसको रिकॉल करने के लिए होता है कि ये चैप्टर में हमें क्या सीखा है। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हेडिंग क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखो लिविंग थिंग्स में यहाँ पर क्या लिखा है? ब्रीथ। एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डू नॉट ब्रीथ। हमने एक एक्टिविटी की थी ना बेटा, कि हमने जो फीचर्स लिविंग थिंग्स के थे उसमें हमने डू नॉट लगा के नॉन लिविंग थिंग्स के बनाए थे, है ना। तो बस यही ये मैप है। मूव डू नॉट मूव, ग्रो डू नॉट ग्रो, फील डू नॉट फील, रिप्रोड्यूस डू नॉट रिप्रोड्यूस, ईट डू नॉट ईट, ओके। सो जो जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा टोटल चैप्टर का हमारा ये कंसेप्ट है, ओके। नाउ ओपन पेज नंबर 23, ओपन पेज नंबर 23, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो ये पिक्चर हमें यहाँ पर देखना है, ओके। ये क्या है? क्लाउड है। क्या है? क्लाउड। अभी रेनी सीजन है ना, तो रेनी सीजन में हमें क्लाउड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और उससे क्या होता है? रेनफॉल होता है। क्या होता है? रेनफॉल होता है ना। बारिश किसको अच्छी लगती है? बारिश हम सबको अच्छी लगती है ना। सो ये क्लाउड है, ये रेनफॉल हो रहा है, तो ये क्या है? रेन ड्रॉप्स है। ये क्या है? रेन ड्रॉप्स है, ओके। क्वेश्चन ए, व्हाट इज शोन इन द पिक्चर? पिक्चर में क्या दिखाया है? क्लाउड एंड रेन ड्रॉप्स, CLOUD, क्लाउड, रेन ड्रॉप्स, RAIN, रेन, DROPS, रेन ड्रॉप्स। बी, इज इट अ लिविंग और अ नॉन लिविंग थिंग? लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो क्लाउड है वो नॉन लिविंग है ना, बिकॉज वो ईट नहीं करता है, फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वो फील नहीं करता है ना। सो क्लाउड इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। इज इट अ नेचुरल और मैन मेड थिंग? क्लाउड नेचुरल है या मैन मेड? क्या हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? आंसर इज नो, वी कैन नॉट प्रोड्यूस क्लाउड्स, ओके। सो दिस इज अ नेचुरल थिंग, है ना। तो वी विल राइट डाउन हियर नेचुरल। क्लाउड क्या होता है? नेचुरल थिंग होता है, ओके। सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज नंबर 3, दिस मैप, एंड लेट्स ऑब्जर्व, ओके। नाउ ओपन पेज नंबर 24, ओपन पेज नंबर 24, सॉरी
sort the things shown in the picture. देखो हमें ये पिक्चर देखना है, ठीक है. सो ये क्या है बेटा, ये सन है ना, ये सन है. सन आता है जब सनराइज होता है तो क्या होता है, मॉर्निंग होती है ना, मॉर्निंग में सनराइज होता है ना. ये क्या है, प्लांट्स है. प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, डेली वाटर देना पड़ता है ना, उसको अच्छे से ग्रो होना करना है हमें, तो उसको हमें डेली वाटर देना पड़ता है. चलो कौन कौन बच्चे हैं जिसने प्लांट को वाटर देना चालू कर दिया है, आपके घर में कोई एक प्लांट तो होगा ही ना, तो आपको उसको डेली वाटर देना है ना. अभी तो सुबह सुबह आप घर में ही होते हो, कहीं बाहर तो अभी स्कूल तो आना ही नहीं है, तो आपको ही प्लांट को वाटर देना है ना. ये एक गुड हैबिट है जो हमें डेवलप करनी है हम खुद में. ओके, सो वी कैन सेव अवर एनवायरमेंट. ओके, हमें हमारा एनवायरमेंट सेव करना है तो वी हैव टू स्टार्ट विद अवर सेल्स. ओके, हमें रोज़ हमारे प्लांट को वाटर देना है. ओके, तो ये बॉय क्या कर रहा है, प्लांट को वाटर दे रहा है. ये क्या है, वाटर जग है. ये क्या है, जग है. ओके, और ये टी शर्ट है, ये वाटर जग है, ये सन है, ये प्लांट्स है, वाटर है. ओके, नाउ ए, इसमें से लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स, तो हमें यहाँ पर लिविंग थिंग लिखना है. ओके, सो लिविंग थिंग में फर्स्ट क्या आएगा, प्लांट है ना. प्लांट क्या होता है, लिविंग थिंग होती है. ऑल एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स. ओके, बॉय क्या है, ह्यूमन है ना, तो वी विल राइट डाउन हियर प्लांट्स बॉय. ओके, नाउ नेचुरल बट नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पर नेचुरल थिंग्स क्या है, फर्स्ट इज वाटर एंड सेकेंड इज सन. सन क्या होता है, नेचुरल थिंग होता है. क्या होता है, नेचुरल. सो सन एस यू एंड सन एंड डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर. ओके, नाउ सी, मैन मेड थिंग्स, MAN MADE मैन मेड थिंग्स, THINGS मैन मेड थिंग्स. जॉग एंड शर्ट देखो ये क्या है, इसने शर्ट पहना है ना, शर्ट या टी शर्ट. ओके, सो वी विल राइट डाउन योर जग एंड शर्ट. ओके, नाउ टू, सिलेक्ट विच ऑफ दिस वुड प्लांट्स नीड टू लाइव. सिलेक्ट विच ऑफ दिस प्लांट्स नीड टू लाइव. देखो वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स में हमने क्या स्टडी किया था बेटा, प्लांट्स को एयर वाटर एंड सनलाइट इसकी ज़रूरत होती है ना. सो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, एयर एंड वाटर, यस. सो टिक मार्क कर दे यहाँ पर, नहीं, हमें और भी ऑप्शंस रीड करने हैं, ठीक है. बी, सॉइल एंड वाटर, यस, कर दे टिक मार्क, ये भी सही है. नो, रीड द अदर ऑप्शंस प्लीज. सी, एयर वाटर सन एंड सॉइल, यस, इसमें तो चारों आ गए है ना. एंड डी, सन एंड एयर, देखो ये सब किस में कवर होते हैं, सी में होते हैं ना. सभी आंसर करेक्ट ही है, बट सभी आंसर ये सी में मिक्स सी में आ गए है ना. सो एयर वाटर सन एंड सॉइल आर नीडेड बाय प्लांट्स टू लिव. ओके, सो वी विल टिक मार्क ऑन सी, बट वी हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस. ओके, आपकी एग्जाम में आपको सभी ऑप्शंस को रीड करना है, ठीक है बेटा. ऐसे ही जल्दी जल्दी में एग्जाम मत दे देना. ओके बेटा, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट बुक पार्ट. ओके, टेक्स्ट बुक पार्ट यहाँ पर फिनिश हो गया. नाउ टेक योर वर्कशीट. ओके, नाउ टेक योर वर्कशीट एंड पेज नंबर 5. पेज नंबर 5, हेडिंग इज चैप्टर नंबर 2, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एक्सरसाइज 1, MCQ. चलो यहाँ पर भी MCQ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 1. नॉन लिविंग थिंग्स.
non-living things A. do not need food and B. grow. non-living things क्या होता है, उसे फूड की ज़रूरत नहीं होती है और वो ग्रो करते हैं. सो इनमें से करेक्ट क्या है, उनको वो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं बेटा? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है? नो, दे डू नॉट नीड फूड. सो आंसर ए इज करेक्ट. ओके, नाउ नंबर टू, विच ऑफ दिस इज लिविंग थिंग्स? Which of these is living things? Small baby, clock. Small baby or clock? तो small baby को खाना खाना होता है, yes. फिर वो feel करता है, yes. Grow होता है, हाँ बड़ा हो जाता है ना. So all the features are in small baby, okay? So small baby and clock. Clock need food? No. Clock can walk? No. क्लॉक रिप्रोड्यूस? नो. तो ये सारे फीचर्स क्लॉक में नहीं है. सो अवर ऑप्शन ए इज करेक्ट. अ वॉलीबॉल इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? तो वॉलीबॉल क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है ना, बिकॉज वॉलीबॉल मूव करता है बट अपने आप से मूव नहीं करता है, हमें उसको मूव करना पड़ता है ना. सो लिविंग थिंग नहीं होता है, वो नॉन लिविंग थिंग है. ओके, सो टिक मार्क हियर. So we have completed our question number 1. Okay beta. Now question number 2. Fill in the blanks. First, the things that do not breathe, eat, grow or reproduce young ones are called living or non-living? Are called living or non-living? देखो यहाँ पर डू नॉट लिखा है, क्या लिखा है, डू नॉट. सो डू नॉट होगा तो क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट ईट, डू नॉट ग्रो, डू नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, नाउ सेकंड वन, ट्री इज अ डैश लिविंग और नॉन लिविंग थिंग? ऑल प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर क्या होता है, नॉन लिविंग होता है. आंसर मी, नॉन लिविंग होता है? नहीं, लिविंग होता है ना. सो ट्री इज अ प्लांट, सो ट्री इज अ लिविंग थिंग. ओके बेटा, नाउ थर्ड वन, अ टेलीफोन इज अ डैश. टेलीफोन क्या होता है, टेलीफोन मूव करता है. चलो एक एक फीचर करके हम सोचते हैं, मूव करता है? नो. ईट करता है? नो. रिप्रोड्यूस करता है? नो. फील करता है? नो. ग्रो करता है? नो. तो क्या हुआ टेलीफोन बेटा, टेलीफोन इज अ नॉन लिविंग थिंग, टेलीफोन इज अ नॉन लिविंग थिंग. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग. बॉय, बॉय में से यहाँ पर क्या होगा, नॉन लिविंग, लिविंग, गर्ल और पेपर. बॉय के सामने क्या आएगा, लिविंग थिंग, बिकॉज बॉय इज अ ह्यूमन. नाउ टू, कार, सॉरी, कार क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है ना. देन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, यहाँ से पेपर क्या है, पेपर, पेपर क्या होता है, नॉन लिविंग. एंड लिविंग थिंग में गर्ल्स, गर्ल्स इज अ, गर्ल्स आर ह्यूमन, सो लिविंग थिंग. ओके बेटा, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर पेज नंबर 5. ओपन योर पेज नंबर 6. चलो हमें क्या करना है बेटा, राइट एल फॉर थिंग, सॉरी फॉर लिविंग थिंग्स एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. बॉल, बॉल क्या होता है, टेल मी, बॉल क्या होता है, यस, बॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग है ना. बॉल को हमें खाना नहीं देना होता है, वो ग्रो नहीं करता है, वो मूव करता है. बॉल तो मूव करता है ना, बट वी हैव टू थ्रो और वी हैव टू किक इट.
है ना, हम उसको किक करें या थ्रो करें तभी वो मूव करता है. ओके, सो बॉय इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, सो वी हैव टू राइट डाउन हियर. एंड शीप, शीप इज एन एनिमल एंड एनिमल इज ऑलवेज अ लिविंग थिंग. Elephant, elephant is also an animal and animals are always living things. Book, book क्या होती है, living या non living? Tell me बेटा, आप अपने आप से सोचो. Book को eat करना है? नहीं. Book को move करना है? खुद से move होती है book? नहीं. Book feel करती है, आप उसको कभी पढ़ो नहीं ना तो भी वो book रोएंगी नहीं कि वो मुझे ये स्टूडेंट ने मुझे कभी भी पढ़ा नहीं है इसको, है ना. बट हमको बुक हमेशा रीड करनी चाहिए, है ना. तो बुक फील नहीं करती है, बुक अपने आप से बड़ी हो जाती है, छोटी होती है ना. हम उसको ऐसे ही फाड़ देते हैं तो क्या होती है, छोटी हो जाती है ना. बट अपने आप से बड़ी नहीं होती है, ग्रो नहीं होती है कभी. ओके, सो बुक इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. ओके, नाउ पेंसिल. पेंसिल भी अपने आप से मूव नहीं होती है ना बेटा. पेंसिल को हमें राइटिंग करने के लिए हमें उसे मूव करना पड़ता है ना, तभी राइटिंग होता है ना हमारा. सो पेंसिल इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग. बॉय, बॉय क्या है, ह्यूमन है एंड ह्यूमंस आर ऑलवेज लिविंग थिंग्स. ओके, सो एल. ओके बेटा, सो we have completed our page number 6 also. Okay, tomorrow we will do page number 7. Okay, tomorrow we will do our page number 7. We are ending our session now. Okay, so aapka homework kya hai beta, aapka homework hai aapko ye sab exercise learn karna hai. Okay, aapko ye sab exercise learn karna hai, ठीक है. एंड अपनी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से स्टडी करना है. ओके बेटा, हैप्पी. आपको कोई भी राइटिंग पार्ट नहीं दिया गया है, राइटिंग में कुछ आपको कुछ होमवर्क राइट डाउन नहीं करना है, सिर्फ लर्न करना है. ओके, सो टुमारो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर, सॉरी पेज नंबर 7. ओके, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड लर्न ऑल दी चैप्टर्स. ओके, गुड बाय.